संग अभियान की शुरुआत हुए करीब 24 दिन बीत चुके हैं, लेकिन राजधानी जयपुर के दोनों नगर निगमों अभियान में फेल साबित हुए। मंत्री शांति धारीवाल की सख्त नसीहत के बाद पट्टे जारी करने के काम ने रफ्तार तो पकड़ी, लेकिन आंकड़े अब भी उम्मीद से काफी कम है। अभियान शुरू होने के पहले प्री कैंपों से पट्टा बनाने के लिए हेरिटेज में 5200 और ग्रेटर में 1700 आवेदन आए। इसके साथ ही 290 और ग्रेटर में 144 लोगों को पट्टे दिए गए। मुख्यालय पर करीब 5200 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, इनमें से 290 पट्टे बांटे जा चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस दिखानी है, इसको लेके हमने भी मीटिंग की है। कल सेक्रेटरी सर ने भी यहाँ पे सारे डीसीज़ की मीटिंग ली थी। ओवरऑल हमारा जो टारगेट है अब 20,000 कर दिया गया है सभी निगमों का, उसको अचीव करने का हमारा प्लान है। सबसे ज़्यादा आवेदन अभी नगर निगम हेरिटेज के पास आया है 5,000। अब सेकेंड स्टेज है उनका डिस्पोजल करना, उसको हम प्रोग्रेस बढ़ा रहे हैं और हमारा टारगेट है कि इस वीक। तो ग्रेटर में 144 पट्टे जारी किए गए, दोनों नगर निगम अभियान में फेल साबित हुए हैं, क्योंकि जो लक्ष्य दिया गया था अब भी उस लक्ष्य से कोसों दूर है। और जयपुर से